दिल्ली एयरपोर्ट की सुरक्षा पर जो है वो बढ़ाई गई है। टर्मिनल 3 के पास संदिग्ध बैग मिला था, तो जिसके बाद इस सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध बैग में आरडीएस होने की खबर है, तो आईजीआई एयरपोर्ट को दहलाने की कोशिश जो है वो नाकाम हुई है। सीआईएसएफ डॉग स्क्वाड टीम मौके पर मौजूद है। टर्मिनल 3 के पास कुर्सी के नीचे ये बैग मिला था, तो देर रात करीब 1 बजे टर्मिनल 3 पर यह बैग मिला। पुलिस ने बैग को कब्जे में ले लिया है। तो आपको बता दें कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लावारिस बैग मिला है और अब मौके पर प्रशासनिक अधिकारी जुटे हुए हैं, तो सीआईएसएफ और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद है। तो राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर एक संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया और उस बैग से सुरक्षा एजेंसियों को आरडीएक्स मिला है, जिसके बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। तो जिस वक्त इस खबर को सामने आई उसके बाद हड़कंप पूरे एयरपोर्ट पर देखा गया। तो आईजीआई एयरपोर्ट पर यह संदिग्ध बैग मिला जिसमें आरडीएक्स मिला है। टर्मिनल 3 के सामने अब रोड को भी बंद कर दिया गया है। पुलिस ने बैग को कब्जे में लेकर एयरपोर्ट की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। तो टर्मिनल 3 के सामने रोड को बंद कर दिया गया। आईजीआई एयरपोर्ट की पूरी घटना, जहां पर एयरपोर्ट को दहलाने की कोशिश नाकाम हुई है। सीआईएसएफ डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर मौजूद है और जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है। तो आपको बता दें कि टर्मिनल 3 के पास कुर्सी के नीचे ये बैग मिला था जिसमें आरडीएक्स बरामद हुआ है। तो दिल्ली एयरपोर्ट की सुरक्षा को इस लिहाज से और बढ़ा दिया गया है और पुलिस की सतर्कता के चलते ये कोशिश जो है वो नाकाम हुई है। तो संदिग्ध बैग में आरडीएक्स होने की खबर बड़ी खबर इस वक्त की। तो आईजीआई एयरपोर्ट को दहलाने की कोशिश नाकाम।